गुरुपद क्या है और गुरुपद पर कौन विराजमान हो सकता है, इस पर एक चिंतन रहा मेरा जीवन। तो इसमें बहुत सीधी लठमार भाषा में कहूं तो जिसमें कामना है कि मैं गुरु बनूं, सबसे पहले उसे रिजेक्ट करूंगा मैं। जीवन कामना जीवन। अब आइए तात्विक संदर्भ में हम इसको आदर्श के रूप में देखते हैं तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी जी भगवान शंकर चांडाल वेश में उनके सामने उपस्थित होकर काशी दशाश्वमेध घाट पर कुछ संवाद करने लगे और प्रश्न कर दिया, तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, यम ब्रह्म पिपीलिकांत तनुषु प्रोक्ता जगत साक्षिणी ये चांडाला सतु द्विजुरस्तु गुरु रित्येषा मनीषा ममा। मतलब कीड़ी से लेकर चार मुख ब्रह्मा पर्यंत और चांडाल स्वपच से लेकर कर्मकांडी ब्राह्मण पर्यंत जितने भी प्राणी हैं उन सब में एक ही चैतन्य सत्ता का जो दर्शन करता है तो भेद खत्म हो गया ना, वो गुरु है मेरा, वो मेरा गुरु है। उन्होंने ये नहीं कहा भगवत गौड़ पादाचार्य जी हमारे गुरु, ये नहीं जवाब दिया, उन्होंने लक्षण बता दिए कि ये जो है तो चेतन ही तो है, आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप है। अब आप इस पर कहिए क्या कहना है आप। श्रुति कहती है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो परमात्मा ही गुरु रूप में अभिव्यक्त हो गया। देखाओ बस जेब में भर लो, जेब में भर लो। आप बोलो ना, संसार में सबसे ज्यादा गुरु तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व ही है। हाँ, वजनदार। हाँ, और तत्व में जो स्थापित हो जाए वही गुरु तत्व। अणोरणीयान महतो मय्यान नात्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तमः कृतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। उससे महान कौन और हो सकता है, वही वही। आप हो या अपना कोई माई ना कोई बाप।